कसम संविधान की शुरू करें उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, चांद पर लैंडिंग करने का वीडियो आ गया है। ये वीडियो इसरो ने जारी किया है, चांद पर लैंडिंग करने का ये वीडियो है। देख रहे हैं आप किस तरह से लैंडिंग कर रहा है जो लैंडर है विक्रम लैंडर, और ये तस्वीरें विक्रम लैंडर ने ही भेजी है। जी न्यूज पर ये पहली तस्वीर है, पहला वीडियो है, अभी तक आपने सिर्फ स्टिल्स देखे हैं। देखिए किस तरह से बदल रही है चीजें, धीरे धीरे विक्रम लैंडर चांद की तरफ पहुंचता हुआ, और देखिए आपको दिख रहा है कि किस तरह से जब दूरी नाप कम करता जा रहा है विक्रम लैंडर अपनी, तो चांद की तस्वीर किस तरह से बदलती जा रही है। प्रणय मेरे साथ फोन पे है, प्रणय लगातार हमें तमाम ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। प्रणय, इस तस्वीर के क्या मायने, ये पहला वीडियो है? जी बिल्कुल दीपक जी, ये पहला वीडियो है जो बताता है कि किस तरीके से लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर। और ये जो लैंडर पोजीशन कैमरा या लैंडर इमेजर कैमरा है, इसने उन तस्वीरों को कैप्चर किया। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तस्वीरें जिस तरीके से रिसीव हुई है, इसका मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम कितना बेहतरीन रहा है इसरो का इस पूरी पोजीशन इस पूरे मिशन के दौरान, कि ये इमेजेस बहुत साफ तरीके से न केवल रिसीव की गई बल्कि लगातार हर पद का अपडेट एक तरीके से ये लैंडर दे रहा था अपनी हर पोजीशन का। और देखिए जमीन पर जिस तरीके से जो चांद की जमीन का ग्रेडियंट है वो इसके अंदर चेंज हो रहा है। लेकिन इन तस्वीरों के साथ ही एक बहुत बड़ी खबर और भी आई है इसरो से कि आज कई चीजें जो हैं वो ऑन हो चुकी हैं, मतलब जो इसके अंदर लैंडर मॉड्यूल के अंदर पेलोड्स लगाए गए थे इल्सा रंभा चेस्ट, जो कि अलग अलग प्रयोग करने के लिए थे, उनको ऑन कर दिया गया है। और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि रोवर का अब मोबिलिटी मूवमेंट भी हो चुका है, यानी अब रोवर न केवल बाहर आने के बाद बल्कि वो चांद की सतह के ऊपर वो चल रहा है, चहलकदमी कर रहा है, यानी उसके पहियों के ऊपर लगे हुए इसरो के निशान और भारत का राज चिन्ह अब चंद्रमा की जमीन के ऊपर अंकित हो गया है। जैसे ही बाहर आया ये तो ये निशान आगे तक जा रहे हैं और इसकी मोबिलिटी आज टेस्ट कर ली गई है। ये दो बड़े महत्वपूर्ण जो स्टेप्स हैं वो आज दिए गए। और आपको ध्यान होगा दीपक जी कि आज इसरो चेयरमैन ने जब इस न्यूज से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि आज दोपहर तक हम इन्हें ऑन कर देंगे, यानी ये जो तमाम चीजें हैं जो इसके ऊपर पेलोड्स लगे हुए हैं उन्हें एक्टिव कर दिया जाएगा। तो ये खबर और कंफर्म हो गई है कि आज ये ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। अब एक और चीज जिसका रविवार का इंतजार हो रहा है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो कि अभी भी चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है जिससे कि ये लैंडर अलग हुआ था, उसके ऊपर एक जो पेलोड लगा हुआ है उसको ऑन संडे के दिन किया जाएगा, यानी रविवार को उसको ऑन किया जाएगा। यानी सब कुछ तैयारियां एक कहा जाए कि बिल्कुल टेक्स्ट बुक की तरह आगे बढ़ रही हैं, जो कुछ सोचा गया था वैसा ही हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय। और आप इंतजार है प्रधानमंत्री कब पहुंचते हैं, 26 तारीख को वो पहुंचेंगे, ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचेंगे और वहां पर वैज्ञानिकों का अभिनंदन करेंगे। Z News।